दोस्तों, ये करीब 5 से 6 साल पुराना मेरा चीकू का प्लांट है और जब से मैं इसे नर्सरी से लेकर आई हूँ तब से 1 साल को छोड़कर बाकी हर साल ये फ्रूटिंग करता आ रहा है। मतलब जिस साल मैं लेकर आई थी तो इस पर 2 फ्रूट लगे हुए थे और वो भी आंधी, जब तेज़ आंधी आई और ओले गिरे थे तो उससे वो टूट कर गिर गए थे, तो मुझे बड़ा दुख हुआ था। और उसके बाद से नेक्स्ट ईयर से इसमें ऐसे ही भर भर कर फ्लावर होते हैं और इसमें फ्रूट लगते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर मेरा, कितना हेल्दी है ये चीकू का प्लांट और इसमें कितने सारे चीकू लगे हुए हैं। चीकू ये बहुत ही अच्छा फल होता है, बहुत ही मीठा होता है और पेट के लिए, अपने आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट प्रॉपर्टीज इसमें पाए जाते हैं। तो चीकू का प्लांट आपने नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाइए। देखिए मैं आपको आज बताती हूँ, इसके इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है क्योंकि वास्तव में ये रियल में बहुत अच्छा प्लांट होता है और बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है और बहुत ज़्यादा इनकी देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि आपके पास यदि टेरेस है तो आप टेरेस पर भी गमले में लेकर के, पॉट में लेकर के, ग्रो बैग में लेकर के आप इसे लगा सकते हैं और लगाने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा कि आपने अपने घर में बहुत अच्छे फ्रूट लगाए हैं और बहुत अच्छे फ्रूट की आपने हार्वेस्टिंग की है, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। और इसकी वेराइटी तो मैंने नहीं पूछा था कि कौन सी वेराइटी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काला पत्ती ही है या फिर क्रिकेट बॉल होगा क्योंकि ये गोल गोल से होते हैं। मैंने एक दूसरी वेराइटी भी लगाई हुई है, वो भी मैं आपको दिखलाती हूँ। पहले इसे दिखला दूँ कि इसकी सबसे अच्छी, अच्छा तो ये लगता है दोस्तों कि इसके जो साइज़ हैं और इसके जो मतलब शैली है बढ़ने की, वो बहुत ही अच्छी होती है। ये एक बिल्कुल पेड़ की तरह बढ़ता है। तो छोटे से देखिए मैंने गमले हैं, लगता है मुझे 20 इंच का गमला है प्लास्टिक का और उसमें ये लगे हुए और कितने अच्छे पेड़ की तरह दिख रहे हैं। तो सबसे अच्छा तो फील यही होता है कि हमारे टेरेस पर इतना बड़ा सा पेड़ है, जो कि बाकी इस पेड़ के नीचे गर्मी के दिनों में मैं बहुत सारे इसमें छोटे छोटे से पॉट रख देती हूँ जो गर्मी में धूप से परेशान होते रहते हैं। तो एक बेनिफिट उसका यह भी होता है। और दोस्तों ये देखिए कि इसका तना कितना मोटा है और कितना ये मैच्योर है। यहाँ पर इसकी ग्राफ्टिंग की गई है। तो जब भी आप प्लांट खरीदें, कोई भी फ्रूटिंग प्लांट खरीदें नर्सरी से, तो आप उसके ग्राफ्ट जरूर देख लें और जब भी आप उसे लगाएं तो ग्राफ्ट वाला एरिया जो होता है वो ज़मीन से, मिट्टी से ऊपर होना चाहिए। मिट्टी से करीब 2 इंच या 3 इंच ऊपर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यदि ये ढक जाते हैं तो यहाँ से नए नए प्लांट, नए नए शूट्स निकलने लगते हैं और जैसे वो शूट निकलेंगे तो आपके प्लांट को वो जंगली बना देगा। यानी कि नीचे जो पौधा होता है वो बिल्कुल जनरल वाला होता है, जो कि फ्रूट से जन्म, जो कि बीज से जन्म लिया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर जो होता है वो एक मैच्योर प्लांट का तना होता है जिसे ग्राफ्टिंग करके बनाया जाता है। इसलिए इसमें फल जल्दी लग जाते हैं, 1 साल के अंदर ही फल आ जाते हैं। इसलिए आप जब भी लगाएं तो सबसे पहले टिप्स ये है कि ग्राफ्टिंग वाला एरिया आपके 1 से 1.5 इंच या 2 इंच मिट्टी से ऊपर होने चाहिए, तभी आपकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। और देखिए कितनी अच्छी मेरी फ्लावरिंग हो रही है और देख कर मन खुश हो जाता है। तो इसमें अब जब इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो गई है तो इसमें क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं वो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, क्योंकि मुझे तो काफ़ी 4 साल 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं इसमें क्या डालती हूँ। और इसकी मैंने 2 बार रिपोर्टिंग कर मैंने कर लिया है, क्योंकि इसमें बहुत, ये बहुत पेड़ किस्म का होता है ना, तो बहुत जल्दी इसमें जड़ें जो है वो फैल जाती हैं आपको, तभी वो बहुत अच्छी फ्रूटिंग कर पाते हैं। तो फ्रूटिंग करने के लिए तो आपको बड़ा सा प्लांट देना होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जब आप इसे लेकर आएँ तो कम से कम 15 इंच के गमले में ही इसे लगाएं, उसे छोटे गमले में नहीं लगाएं, क्योंकि बहुत तेज़ी से ये फैलते हैं और जब फैलेंगे तभी इनमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग होगी। तो 15 इंच से छोटे गमले में आप इन्हें नहीं लगाएं। मैंने भी जब इन्हें लगाया था तो 15 इंच के गमले में ही लगाया था 15 से, और उसके बाद भी मैंने चेंज किया है तो मैंने इतने बड़े गमले में इसे लगा दिया है और तब से देखिए फ्रूटिंग इतनी अच्छी हो रही है। तो सबसे पहली बात यह है कि इनकी जो मिट्टी है, ऐसी जड़ें निकलती रहेंगी तो आप उन्हें हटाते रहिए, क्योंकि ऊपर से जितने भी फाइबरस रूट हैं उन्हें हटाते रहेंगे तभी उनमें नई जड़ें आएगी, और जितनी नई जड़ें आएंगी उतनी ज़्यादा आपके प्लांट जो हैं वो हेल्दी बनेंगे और फ्रूट अच्छे होंगे। देखिए चारों तरफ से मैं निकाल कर दिखा दे रही हूँ कि कितने सारे इनके रूट हैं, है ना, पूरे में इनके रूट फैले हुए हैं, तो इनको फैलने की पूरी जगह मिल रही है। तो सबसे पहली बात है कि जब भी आप इन्हें लगाएं तो इनकी मिट्टी ऐसी बना दें कि बहुत ही पोरस हो, बिल्कुल जमी हुई तो नहीं हो, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का जो वो प्रवेश है वो ज़रूर हो, यानी कि उसमें एयरेशन बना रहे। देखिए मिट्टी मेरी कितनी हल्की है आपको दिख रहा होगा, तो ऐसी मिट्टी आपको बनाना है ताकि आप जब भी गुड़ाई करें तो नीचे तक आपका जो ये है टूल्स है वो नीचे तक जा सके और इनकी जड़ों को टच कर पाए, तभी अच्छी मिट्टी कहलाती है। तो इस मिट्टी को बना देने के बाद आपको इस प्लांट को लगा देना है। तो मिट्टी
मैंने पिछले अपने दो वीडियो इस पर मैं बना चुकी हूँ, उसमें मैंने सारी बातें बता दी है। आप चाहे तो मेरे चैनल पर विजिट करके उसको आप देख सकते हैं। अब जब मैं इस आज की वीडियो में मैं सिर्फ ये बताऊँगी कि जब प्लांट आपका इस स्टेज पर आ जाए, फ्रूटिंग के स्टेज पर, तो आपको क्या करना है। क्योंकि इस समय इसमें जो चीकू के प्लांट है, इसमें दो बार फ्रूटिंग होती है। एक बार तो अक्टूबर नवंबर से लगना शुरू हो जाते हैं, अक्टूबर में फ्लावरिंग हो जाती है, और अभी देखिए जनवरी का महीना है और जनवरी में इतने बड़े बड़े फल हो चुके हैं। ये मार्च से अप्रैल तक में पकने लगते हैं और फिर मई तक में ख़त्म हो जाते हैं, फिर जून जुलाई से फिर शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। मतलब इसमें हल्के हल्के फ्लावर आएंगे, फिर गिरेंगे, फिर फ्लावर आएंगे, और उसके बाद अगस्त सितंबर से फिर फ्लावर इसमें आने लगते हैं। तो दो बार आते हैं, तो इसलिए आपको इसके इसमें साल में दो बार आपको हेवी फर्टिलाइजर देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जब ये फ्रूटिंग पर आ गए हैं, अब इन्हें बढ़ने के लिए एक बार तो मैं इसमें अक्टूबर में मैं डाल चुकी हूँ इसमें फर्टिलाइज़र, क्योंकि अक्टूबर का महीना फर्टिलाइज़र डालने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उस समय बारिश ख़त्म हो जाती है, और बारिश ख़त्म होने के बाद, क्योंकि बारिश में कई सारे इसमें जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो बॉटम होल से निकल जाते हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जैसे ही बारिश ख़त्म होती है उसके बाद अक्टूबर का मंथ सबसे बेस्ट होता है इसमें एक बार फर्टिलाइज़र डालने के लिए, हेवी फर्टिलाइज़र डालने के लिए। वो मैं डाल चुकी हूँ, और अभी अब जब फ्रूट के थोड़े से और बड़े होने का टाइम आ गया है, पकने का टाइम आ गया है, और जनवरी का महीना है, तो इसमें फिर से मुझे इसमें फर्टिलाइज़र डालना है। तो आज मैं कौन सा फर्टिलाइज़र डालूंगी, तो सबसे पहले तो गुड़ाई कर लेनी है, ये पहली टिप्स है। और उसके बाद दूसरा टिप्स है कि इसमें हमें फर्टिलाइज़र डालना है, और दूसरा है कि इसमें मैं जो फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ, इस बार पत्तों की खाद डाल रही हूँ, लीफ मोल्ड डाल रही हूँ, क्योंकि ये जाड़ों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें थोड़ी सी गर्माहट भी होती है और ये मिट्टी को बहुत पोरस भी बनाता है, इसमें किसी तरह के कोई फंगस नहीं लगती है। तो इसलिए मैंने जो अपने घर में बना कर रखा हुआ है, देखिए कितना कितना बढ़िया है। मैं चाहूँ तो इसको चाल करके भी और इसकी जो सिर्फ पाउडर है वो भी डाल सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसे चालने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि ये मिट्टी में मिल जाएंगे तो बहुत ही अच्छे से बाकी मिट्टी में मिल करके मिट्टी को और ज़्यादा पोरस बना देंगे, और जितने भी इसमें पत्ते हैं वो सारे इसमें डिकम्पोज हो जाएंगे। तो चारों तरफ गुड़ाई करके और इसे डाल देना है, और इसमें चाहे तो थोड़े से वर्मी कंपोस्ट भी मिला दें। मैं अभी वर्मी कंपोस्ट नहीं डाल रही हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद डालूँगी, क्योंकि वो मेरे ग्राउंड पर रखे हुए हैं तो मैं अभी नहीं ला पाई हूँ उसे, तो उसको मैं डाल दूँगी, और इसके बाद फिर इसको अच्छे से गुड़ाई कर दें। और इस तरह से बहुत अच्छे से मिल जाएंगे इसमें, साथ ही साथ उसमें एक मुट्ठी नीम की खली भी डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। हालांकि बरसात का तो समय नहीं है, लेकिन फिर भी नीम की खली डाल देने से किसी भी तरह से कोई भी कीड़ा वगैरह भी कभी भी आ जाता है तो वो नहीं रह पाएगा, फंगस नहीं लग पाएगा, और नीम की खली भी एक तरह का फर्टिलाइज़र है। तो इस तरह से वो पौधे को, क्योंकि फ्रूट लग चुके हैं तो कई बार फ्रूट फ्लाई वगैरह होते हैं वो अटैक करते हैं, तो इस तरह से जब मिट्टी में हम ये डाल देते हैं तो वो फ्रूट फ्लाई भी अटैक नहीं कर पाते हैं। तो ये ध्यान रख के हम कर देना है। और तीसरी बात जो है, उसके बाद देखिए दोस्तों, मेरे पास ये है बनाना पील और साथ ही साथ ऑरेंज पील है। यहाँ पर इसमें प्याज के भी छिलके हैं, आलू के छिलके हैं, तो और पपीता के छिलके हैं। इन सबको मिलाकर मैंने रखा हुआ है, और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो इसका मैं पाउडर बना लेती हूँ, या फिर इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके और पानी के रूप में मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने एक बकेट में सरसों की खली, साथ में उसमें पोटेशियम के लिए केले का छिलका, यहाँ पर ऑरेंज का छिलका, प्याज के छिलके, पपीता के छिलके, अनार के छिलके, इन सबको मैंने डाला हुआ है, क्योंकि जितने भी तरह से न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हम केमिकल से नहीं डाल सकते हैं, वो सब हमें यहाँ पर फ्रूट और सब्जियों के छिलकों में मिल ही जाते हैं, जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक होते हैं। तो इन सबको मिलाकर मैंने इसमें फुला दिया है, और अब देखिए कितना अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है, जिसमें भारी मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट और नाइट्रोजन, ये सारी मात्राएं मिली हुई है, और इनसे आपके प्लांट को किसी भी तरह से कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि इसमें केमिकल नहीं है। इसलिए आप इसे एक मग, दो मग, तीन मग, यदि नहीं कि ज़्यादा भी डाल देंगे तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसे आपको कितने कितने दिन पर देना है, तो चूँकि अब फ्लावर आपके, फ्रूट आपके बड़े हो रहे हैं, तो अब फ्रूट के बड़े होने के लिए और उनमें अच्छी मिठास आने के लिए, उनमें अच्छा जूस आने के लिए, आपको प्लांट के पॉट के चारों, पॉट में आपको प्लांट के चारों तरफ डाल देना है। और ये एक मग भी हो सकता है, दो मग भी हो सकता है, तीन मग भी हो सकता है, आपका प्लांट कितना अधिक मैच्योर है। तो मैंने इसमें तीन मग डाला हुआ है, तीन मग का मतलब है 3 लीटर, क्योंकि देखिए कितना बड़ा सा प्लांट है।
प्लांटर है। इस बड़े से प्लांटर के लिए मुझे 3 मग यानी कि 3 लीटर बहुत ही ज़रूरी लगा। तो ये हर 15 से 20 दिन के अंदर में आपको ये इतना लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देना है जो कि पोटेशियम रिच हो। वैसे तो नर्सरी वाले कहेंगे पोटास खरीद लो, लेकिन आपको केमिकल नहीं लेना है क्योंकि आप घर में अपना उपयोग कर रहे हैं खाने के लिए, आपके बच्चे खाएंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दें। और देखिए दोस्तों, उसके बाद आपके फल कितने अच्छे होंगे, कितने बड़े होंगे और फलों में कितनी ज़्यादा मिठास आ जाएगी। तो ये है इस तरह से घरों में फ्रूट लेने का। और उसके बाद आप ज़रूर कहेंगे कि वीडियो में जो दिखाया गया है वो बिल्कुल गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। तो ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।